रूस हर साल अप्रैल के दूसरे रविवार को एयर डिफेंस डे मनाता है। इस दिन रूसी सैनिकों का अवकाश होता है। साल 1975 से चले आ रहे इस दिवस का विशेष महत्व है। हालांकि इस वर्ष रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान में लगी हुई है और यूक्रेन के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य पश्चिमी और नेटो देशों का हाथ होने से प्रभावी एयर डिफेंस रूस के लिए प्राथमिकता बन गई है। इस बीच रूसी वायु और मिसाइल रक्षा के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एंड्रे सेमियोनोव ने रविवार को छुट्टी से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि वायु रक्षा सैनिक शुरू से ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं। उन्होंने इशारा किया कि दुश्मन युद्ध के नए नए तरीकों का प्रयोग कर रहा है। कमांडर ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दिए गए हथियारों का मुकाबला करने के लिए हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियारों से लड़ने और लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सैन्य हथियारों को लगातार अपग्रेड कर और बेहतर बनाया जा रहा है। सेमियोनोव यही नहीं रुके बल्कि जोर देकर आगे कहा कि वायु रक्षा सैनिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए डिफेंस सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए पश्चिमी प्रतिद्वंदियों से बेहतर और यूनिक उपकरण विकसित कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूसी सैन्य क्षमता कमजोर है, लेकिन ये खुद को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। एक पूर्व कमांडर आर्टिक बिजेव ने कहा कि ATACMS सहित सटीक मार करने वाले अन्य हथियारों को नष्ट करने में महारत हासिल कर ली है। बिजेव ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि एयर डिफेंस के क्षेत्र में हमारे पास जितने संसाधन हैं, उतने किसी भी देश के पास नहीं है। रूस के कुछ खास एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उनमें टोर, पेंटीर, बक, S-300, S-400 और S-500 शामिल है। इन एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत की बात करें तो टोर कम दूरी वाला मोबाइल से ट्रैक किए जाने वाले मिसाइल सिस्टम है। इनके मिसाइलों की रेंज 16 किलोमीटर तक है और ये 48 टारगेट का पता लगा सकती है और एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकती है। पेंटीर ये शॉर्ट से मीडियम रेंज में जमीन से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम है। इसकी मिसाइलें 20 किलोमीटर तक की दूरी वाले टारगेट पर हमला कर सकती हैं और 75 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट का पता लगा सकती हैं। ये मोबाइल ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। बक भी पेंटीर की तरह ही है, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा है। बक 140 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम है। नेटो के सैन्य हथियारों के खिलाफ इसे 2018 में सीरिया में इस्तेमाल किया गया था। उस समय बक ने लॉन्च की गई सभी अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों में से 85% से अधिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। S-300, S-400 और S-500 की बात करें तो ये लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है। S-300 को 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसी तरह S-400 और S-500 है जिनकी क्षमता 600 किलोमीटर तक की दूरी वाले टारगेट को नष्ट करने की है। S-500 की तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी निशाना बनाने की क्षमता है। रूस की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि वो सिर्फ यूक्रेन को ही अपना दुश्मन मानकर नहीं चल रहा है, बल्कि वो भविष्य में युद्ध के दायरे के बढ़ने की आशंका को देखते हुए अपनी तैयारी में लगा है। वहीं दूसरी तरफ उसका दुश्मन यूक्रेन हथियारों के मामले में रूस से काफी पीछे है। यूक्रेन को अगर पश्चिम की मदद न मिले तो वो रूस के आगे कहीं नहीं टिकता।